नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेम्स वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। आज का नाम है आसिफ। दोस्तों, आसिफ नाम का मतलब जानेंगे, आसिफ नाम का अंग्रेजी में क्या अर्थ होता है यह हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कौन से धर्म के लड़के के लिए यह नाम होता है और कौन सा राशिफल शुभ होता है, कौन सा अंक शुभ होता है, कौन सा रंग शुभ होता है, कौन सा दिन शुभ होता है और कौन सा पत्थर शुभ होता है। दोस्तों, वीडियो के अंत में सबसे खास बात यह जानेंगे कि आसिफ नाम के लोग कौन से क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है जिससे उनका जीवन सफल हो सके। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आसिफ नाम का मतलब। तो आप सभी को बता दें दोस्तों कि आसिफ नाम का मतलब होता है बोल्ड, या साहसी को आसिफ कहा जाता है, या एक सक्षम मंत्री को आसिफ कहा जाता है। दोस्तों, आसिफ नाम का अंग्रेजी में मतलब जाने तो आप सभी को बता दें, बोल्ड को आसिफ कहा जाता है, या फॉरगिवनेस का मतलब आसिफ होता है। धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म में लड़के का नाम आसिफ होता है और राशि फल में शुभ होता है। दोस्तों, अगर शुभ अंक की बात करें तो आसिफ नाम के लोगों के लिए शुभ अंक 8 होता है। शुभ रंग की बात करें तो लाल, सफ़ेद और पीला रंग शुभ होता है। शुभ दिन की बात करें तो मंगलवार, और शुभ पत्थर की बात करें तो आसिफ नाम के लोगों के लिए शुभ पत्थर मूंगा अथवा गार्नेट रत्न होता है। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत में सबसे खास बात यह जानते हैं कि आसिफ नाम के लोग कौन से क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है जिससे उनका जीवन सफल हो सके। तो आप सभी को बता दें, ये सेना में जा सकते हैं, आर्किटेक्ट में जा सकते हैं, अस्त्र शस्त्र वस्तु शास्त्र में अपना करियर बना सकते हैं, या इनसे जुड़ा किसी सेक्टर में जा सकते हैं जहां आसिफ नाम के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी खास बातें आसिफ नाम के लोगों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको भी किसी नाम का अर्थ जानना है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।